ये डाइंग मॉडल को ओपन किया विच इज अ वेरी इंपैक्टिवेंट वर्क बाय द टीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि शाम को करीब 6 बजे मुझे एक महोदय का कॉल आया कि कोई डेड बॉडी कार्यक्रम हुआ था, बड़ा आयोजन हुआ था, तो वहाँ के यात्री बस स्टैंड के थोड़ा 5 फीट आगे जाके ये डेड बॉडी मिली है। जब ये डेड बॉडी के पास थाना प्रभारी एसडीओपी महोदय और मैं पहुंचा हूँ तो हमने देखा कि क्लैरिटी नहीं थी, फेस क्लियर नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन है। थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता था कि वर्किंग क्लास का व्यक्ति है और इसकी एक उम्र का पता लगाया जा सकता था और थोड़ा अंदाज लगाया जा सकता था कि बॉडी थोड़ी पुरानी हो गई है, काफी गल चुकी थी बॉडी, ठीक है, हो चुका था। तो ये सब होने के बाद उम्मीद बहुत कम रह जाती है क्योंकि शिकायत किसी की नहीं आ रही थी कि हमने फोटोग्राफ कराया था और जब उसकी बॉडी को हम पीएम कराने ले गए उसको अच्छे से धुलवा के उसमें देखा तो उसमें एक संतोष नाम का छोटा सा संतोष करके लिखा हुआ था, सतीश लिखा हुआ था, सतीश उसमें लिखा हुआ था बॉडी में, सतीश लिखा होने के बाद ये निश्चित लग रहा था कि इसका नाम सतीश है। तब हमने इसमें ICGS इंटीग्रेटेड कोड जुडिशियल सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है और हमारा सीसीटीवी सॉफ्टवेयर में 50 से अधिक गुमशुदा इंसान देखे जिनके नाम सतीश है। तो जब डेटाबेस की सर्च हुई तो 50 से अधिक चीजों को वेरीफाई किया गया। तो आज का से गुम इंसान सर्च हुआ है 2 तारीख, 1 तारीख को दर्ज हुआ है आस्था में। आस्था कहाँ है? सीहोर में। तो आस्था में जो थाना है वहां पे बात की गई थी, ऐसे बात की गई थी, दोनों के संपर्क साधा और जो गुम इंसान के फरियादी थे उनसे बात की गई, उनको फोटो दिखाई गई, फोटो देखते ही उन्होंने कहा कि तो हमारा परिवार का सदस्य है, ये कहाँ है। तुरंत हमें समझ में आ गया कि हमारा ट्राइब हो गया है। सबसे बड़ी जो सफलता थी कि तकनीक के माध्यम से प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए थाना प्रभारी और एसडीओपी ने एक अच्छा उदाहरण दिया अपनी कार्यशैली का। हमारी जो पूरी टीम है पीछे खड़ी है, आरक्षक से लेके सब इंस्पेक्टर तक, सबने एक प्रकार से बहुत अच्छा कार्य दिखाया। बड़ी प्रोफेशनल पुलिसिंग हुई, डेड बॉडी को थाने में बहुत ध्यान से एक एक एविडेंस कलेक्ट किए गए। उस दिन बारिश हो रही थी और कुछ एक दो हमारे पत्रकार तत्व भी वहां पहुंच गए थे और ये खबर सबसे पहले पत्रकार के माध्यम से पुलिस को आई। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पत्रकार के माध्यम से पुलिस को आई। तो जब हम वहां गए तो वहां पे छोटी छोटी जो एविडेंसेस होते हैं, गुटके का पाउच हो गया, शराब की यदि कोई बॉटल पड़ी हुई है, बहुत अन्य अन्य सारी एविडेंसेस को कलेक्ट करके उन्हें अप्रिशिएट किया गया। और फिर इसके बाद जब वो गुम इंसान सीसीटीवी में मैच कर गया कि परिवार वाले तुरंत गाड़ी लेके हरदा कोतवाली आए, उन्होंने एकदम देख के डेड बॉडी को किसान गए थे, किसके साथ उनकी फोन में बात हुई आखिरी बार, ये सभी चीजों को जब एक संगठित रूप में देखा गया तो पाया कि ये व्यक्ति एक दो या तीन लोगों पे डाउट आया और जब उस डाउट को क्लैरिफाई किया गया तो कड़ी पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने मर्डर किया है। तो ये ट्रेस तो कल ही हो गया था लेकिन हम उसमें पूरी फॉर्मेलिटी करना चाह रहे थे और पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद इस ब्लैक मर्डर का आज हमने क्लोज किया है, इसलिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है इसकी सूचना को देने के लिए। फिर लाकर के यात्री प्रतीक्षालय के सामने जब उसने देखा कि लाइट तो
लेकर के गया नीचे जहाँ डेड बॉडी गिरी थी उसने, और वही साइड में पत्थर रखा हुआ था, तो बुरी तरीके से इसका जो सर था पूरा क्रश कर दिया था, जिससे इसकी शताब्दी ना हो पाए कि व्यक्ति है कौन। बट जैसा कि सर ने बताया कि कुछ चीजें हमें मृतक के पास से मिली थी, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क मिले थे, जब दो इंसान ने अपनी चीजों को देखा कि क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क उसने लिखा है, तो फैमिली वालों से हम उस चीज़ को क्रॉस चेक और तस्दीक करवाई, तो उन्होंने अपने मृतक को पहचाना कि ये उसका पति है, ये भाई है उसका, और उसके बेसिस पर हम लोगों ने पूरे लाइन मर्डर का खुलासा किया है। तो जो मेन है वो यही है कि बीवी के साथ इसके संबंध थे, और इसी के कारण चलते हुए ये अपने रास्ते का काटा हटाना चाह रहा था, और इस तरह की बड़ी घटना कर रही थी। हमने सीसी टी एस और आईसी टेस्ट कंप्यूटर रिसर्च करा के तो हमने पाया कि हमने दो इंसान की जांच करी आसपास के जिलों में, और हमें आष्टा से यह व्यक्ति होम इंसान होना प्राप्त हुआ। आष्टा में इसका होम इंसान 1 तारीख को रजिस्टर कराया गया था। इसकी सूचना मिलते ही हमने उनके परिवार से संपर्क किया, परिवार ने फोटो देख के पहचाना, और वो हरदा आए वहाँ पर, यहाँ पर आए, और उनके बयानों के बाद जब उनकी पूरी तस्दीक की गई, विवेचना चालू की गई, पंचायत चालू की गई, तो फिर उन्हें समझ में आया आरोपी कौन है। आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, आरोपी ने पूछताछ के लिए कबूल किया, और ये इस प्रकार से पूरा जो लाइव मर्डर है लगावा निभाता, ये पूरी तरह से खुल गया है। सर मर्डर की वजह क्या है? मर्डर की वजह एक रिलेशनशिप है, मैरिटल डिस्प्यूट है पति पत्नी का, और इसमें थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट को लेके अभी जो लग रहा है इस विषय के कारण इसमें ये घटना कारित की गई। सब तो जो मृतक है उसकी पत्नी बीच में आरोपी बनेगी, अभी यह विवेचना का विषय है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अभी जो प्रथम दृष्टया चीजें चल रही हैं, क्योंकि अभी केवल 2 दिवस हुए हैं, और हमने 2 दिवस में बॉडी आइडेंटिफाई कर ली है, क्रिमिनल आइडेंटिफाई कर ली है, FIR कर ली है, और मुख्य आरोपी जो है वो अभी जेल जा रहा है। बॉडी की शिनाख्त किस प्रकार? बॉडी की शिनाख्त को बॉडी में जो अन्य प्रकार के टैटू होते हैं, कहीं पे नाम लिखे होते हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें रहती हैं, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और जो CCTV का सिस्टम है, होम इंसान की जो रिपोर्टें हैं, और आसपास के जिलों का जो डेटाबेस है होम इंसानों का, उससे हमने इसको पूरा। आरोपी तक पहुंचने का मुख्य बिंदु क्या है? आरोपी तक पहुंचने का मुख्य बिंदु उनका मृतक का नाम पता लग गया, उसके परिवार वालों से बयान दिए गए, और उसने आखिरी दिन में क्या किया गया है, आखिरी में कैसे मिला है, उन चीज़ों को जब देखा गया है, विवेचना की गई है, कड़ी पूछताछ की गई है, तो आरोपी का नाम सामने आया है।